YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना में टिड्डी दल का हुआ प्रवेश। म्याना के कुंदोरा गांव में हुआ टिड्डी दल का हमला, प्रशासन पहुंचा मौके पर। ब्यावरा में कोरोना पीड़ित महिला की 27 तारीख को मृत्यु हो गई थी। महिला का मायका राधुगढ़ में है। उसका भाई उससे मिलने 26 तारीख को ब्यावरा गया था। भाई के राधुगढ़ लौटने पर कलेक्टर के आदेश पर संपूर्ण राधुगढ़ को 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। दुग्ध संघ विवाद में हटाए गए प्रभारी एवं ठेका श्रमिक। प्रभारी दुग्ध केंद्र अनिल रघुवंशी को दूध प्रयोगशाला में पदस्थ कर दिया गया है। उनके स्थान पर बीके पांडे को प्रभारी दुग्ध केंद्र गुना बनाया गया है और ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी को हटा दिया गया है। गुना में आई आज 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, ये पुराने मरीजों की रिपोर्ट है। गुना में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसमें महिला की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है एवं उसके देवर की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुना जिले में अभी तक कोई पॉजिटिव मरीज नहीं है। उचित मूल्य दुकान से वितरण होने वाले नीले केरोसिन का मूल्य निर्धारित, कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया। कोविड-19 के मद्देनजर बृहाय रोगी विभाग में फीवर क्लिनिक के संचालन की हुई समीक्षा। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने चिकित्सकों से अपेक्षा की है कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों के रेड जोन से प्रवासी श्रमिकों का आना हुआ है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकरणों की संख्या बढ़ने की संभावना है। चिकित्सकगण कोविड-19 के प्रकरणों में विभागीय नियंत्रण एवं संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारी, आवश्यक व्यवस्थाएं और उपचार एवं सैंपलिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। आज प्रगति मानव सेवा संस्था कोटीबाग परिसर में ऑटो चालकों से चर्चा की एवं उनकी समस्याएं सुनी पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने। महेंद्र सिंह सिसोदिया पूर्व मंत्री पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के विभागीय मंत्री सुरेश शर्मा के निवास पर, की शोक संवेदनाएं व्यक्त। बरसात सोसाइटी में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह, सुनी किसानों की समस्याएं। कैंट सब्जी मंडी क्षेत्र में मिली पॉलीथीन, नगरपालिका की टीम ने जब्त कर की चालानी कार्रवाई। मंडी का काम निपटाकर लौट रहे हम्मालों के साथ हुई लूट, अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की दम पर छुड़ाए नगदी 10,000 सहित मोबाइल फोन। मकसूदनगढ़ में नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 363 का मामला किया दर्ज। बाइक एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आरोन गुना रोड स्थित अग्रवाल फार्म हाउस के पास बाइक एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। हिंदू जागरण मंच द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए टोल टैक्स पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है एवं गायों के लिए पानी एवं चारा खिलाया जा रहा है। मकसूदनगढ़ के कॉबर सोसाइटी केंद्र पर षड्यंत्रकारी लोगों ने किसानों को गुमराह कर एक खाली कागज पर साइन कराकर पंचनामा बनाया था, जिसमें विष्णु गुर्जर को दबंगई से सोसाइटी केंद्र पर अनाज को तुलवाने वाला बताया था। पर अब वही किसानों का कहना है कि हमें गुमराह कर खाली कागज पर साइन कराया गया है।
सरस्वती शिशु मंदिर के पास ओवर ब्रिज पर लॉकडाउन के कारण कार्य बंद हो गया था, जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लोग ब्रिज से आवागमन कर रहे हैं, जिससे कि खतरे की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। विद्युत मंडल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 30 मई 2020 को 11 केवी चांसवाली फीडर एवं टेकरी फीडर अंतर्गत चांसवाली पवन कॉलोनी बूढ़े बालाजी हनुमंता व्यायामशाला मरगरशाला टेकरी रोड हनुमान टेकरी रोड तथा शिवपुरम कॉलोनी आदि क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिजली रहेगी गुल। कलम थामने वाले अतिथि शिक्षकों को मजबूरी में करना पड़ रहा है मजदूरी, कुछ तो तोड़ रहे हैं तेंदुपत्ता। मकसूदनगढ़ के टोड़ी गांव में विद्युत सप्लाई हुई बंद, बिल न भर पाने के कारण कंपनी ने की कार्रवाई, खेतों पर फसल और सब्जी सूखने की तादाद पर। और अब देखिए खबरें विस्तार से। सांची सीध दुग्ध केंद्र पर पिछले 2 महीने से चल रहे विवाद का भोपाल से अधिकारियों के दल के आने के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया है। दुग्ध समिति सदस्य लंबे समय से ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी को हटाने की कर रहे हैं मांग। सांची सीध दुग्ध केंद्र पर पिछले 2 महीने से चल रहे विवाद का भोपाल से अधिकारियों के दल के आने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। दुग्ध समिति सदस्य लंबे समय से ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भोपाल से आए मुख्य कार्यपालन यंत्री इस पूरे मामले की जांच करने पहुंचे। प्लाट पर पहुंचने के बाद उन्होंने दुग्ध समिति सदस्यों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने केंद्र के प्रबंधक अनिल रघुवंशी की पीड़ा भी जानी। अधिकारियों के सामने प्रबंधक रोने लगे। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें शांत किया। काफी देर तक अधिकारियों और दुग्ध समिति के सदस्यों के बीच हंगामेदार चर्चा चली। इस बीच दुग्ध समिति के सदस्य केंद्र प्रभारी ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी को हटाने की मांग पर अड़ गए, लेकिन अधिकारियों ने दुग्ध समिति सदस्यों की इस मांग को अनसुना कर दिया। इसे देखकर दुग्ध समिति के सदस्य अधिकारियों की गाड़ियों के सामने धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अधिकारियों ने इस बीच नाराज समिति सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे जब नहीं माने तो अधिकारियों ने अपने वाहन प्लाट पर छोड़कर एक प्राइवेट गाड़ी से कलेक्ट्रेट रवानगी डाल दी। भोपाल से आए सांची दुग्ध केंद्र के सीईओ के साथ डिप्टी कलेक्टर भी पहुंचे थे। दुग्ध समिति सदस्यों को उम्मीद थी कि उनकी मांग सुनी जाएगी, लेकिन अधिकारियों के आने के बाद भी इस विवाद का नतीजा नहीं निकला। इधर इस पूरे मामले में अधिकारियों ने दो टुक कहा है कि केंद्र पर दूध में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए समिति प्रबंधक अपने रूट डाइवर्ट कर दूसरे अन्य प्लाटों में अपना दूध भेजे। अशोक रघुवंशी निकाल के बताएं, आप आज धरने पे बैठे हो जी, क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हैं कि जहाँ एक सुनील दुबे है ठेका श्रमिक, वो इतनी अति करता है, इतनी चोरी करता है कि सारे हम लोग परेशान हैं। और 20 साल से वो जहाँ जमा हुआ है, 20 साल से हम अधिकारियों से हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज मजबूरन हो गए, हमें हमारी जान पे खेलने के लिए आज हम जब बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, सुबह से कोई खाना नहीं खाया हम लोगों ने। हमारे अधिकारी आज सीओ साहब वो हमसे कह गए कि रूट डाइवर्ट करिए, आप इधर उधर भेजने के दूध की कह गए, आखिर में प्लांट चालू करने की बात नहीं कर गए। वो जब तक हमारा प्लांट चालू नहीं होता, जब तक सुनील दुबे जहाँ से नहीं हटता, जब तक हम ना दूध देंगे ना प्लांट चालू होने देंगे। यही हम सारी लोगों की मांग है कि जब तक सुनील दुबे को श्रमिक है, ठेका श्रमिक को जब तक जहाँ से नहीं हटाया जाएगा, हम दूध नहीं देंगे ना हम प्लांट चालू करने देंगे। अभी जांच करने आई टीम तो क्या हुआ? जांच करने आई थी, कुछ नहीं कर गई, उसके फेवर में जांच करने गई, हमसे कोई बात नहीं की उनने, कोई चीज नहीं की, कोई हमको उसका उसको हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, और केवल सुनील दुबे से मिलकर वो टीम चली गई। आज हम लोगों ने जो मजबूरन गाड़ी रोकी उनकी, मजबूरन हमारी बात सुनने के लिए हमने उनको खड़ा किया है। आपने हटाने की मांग की थी तो क्या बोले वो? कुछ नहीं, हमसे कोई बात नहीं करके गए, उनने ये कही कि आपके प्लांट बंद कर दो और दूसरी जगह दूध भेजो, सुनील दुबे को हटाने का उनने कुछ नहीं कहा। दुग्ध संघ विवाद में हटाए गए प्रभारी एवं ठेका श्रमिक, प्रभारी दुग्ध केंद्र अनिल रघुवंशी को दूध प्रयोगशाला में पदस्थ कर दिया गया है। उनके स्थान पर बीके पांडे को प्रभारी दुग्ध केंद्र गुना बनाया गया है और ठेका श्रमिक सुनील द्विवेदी को हटा दिया गया है।
आज प्रगति मानव सेवा संस्था कोटीबाग परिसर में ऑटो चालकों से चर्चा की एवं उनकी समस्याएं सुनी पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने। कैंट सब्जी मंडी क्षेत्र में मिली पॉलीथीन, नगर पालिका की टीम ने जब्त कर की चालानी कार्यवाही। सीएमओ संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर मैदान में उतरी नगर पालिका टीम ने आज कैंट सब्जी मंडी क्षेत्र में पहुंचकर पॉलीथीन जब्त कर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। आज हमने कैंट क्षेत्र में जो सब्जी मार्केट है उसमें लगभग 30 किलो पॉलीथीन हमने बरामद की है और उन पर 1000 रुपये की चालानी कार्रवाई भी की है। और इस तरह की प्रक्रिया विगत अक्टूबर से निरंतर गुना शहर में चलाई जा रही है और सभी लोगों से अपील भी की गई है अनाउंसमेंट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें। ये हर तरह से नुकसानदायक है, हमारे नालियों में फंस जाती है, गाय अगर जानवर खाता है तो उसके पेट में फंस जाती है। तो लोगों से हमारा विनम्र इस आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है कि कृपया पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, अपने घर से स्वयं थैला लेकर जाएं और थैले में ही सब्जी या कोई भी सामान लेकर आना है। और दुकानदारों को स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी अब पॉलीथीन का उपयोग करते हुए पाया गया तो उस पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ वैधानिक और कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया पूर्व मंत्री पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के विभागीय मंत्री सुरेश शर्मा के निवास पर की शोक संवेदनाएं व्यक्त। आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया विश्व हिंदू परिषद के विभागीय मंत्री सुरेश शर्मा के निज निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरेश शर्मा की माता के देहांत हो जाने पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पुष्प अर्पित किए और परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। मंडी का काम निपटाकर लौट रहे हम्मालों के साथ हुई लूट। अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की दम पर छुड़ाए नगदी 10,000 सहित मोबाइल फोन। पिछले 2 माह से चल रहे लॉकडाउन के दौरान आए दिन शहर में विभिन्न क्षेत्र में चोरियां सहित छुटपुट वारदातों की अनदेखी के बाद अब इस तरह के अपराध धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना बीती रात कैंट थाना क्षेत्र में बाईपास रोड पर हरिपुर ओवर ब्रिज के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा 3 हम्मालों को रोककर उनके साथ लूटपाट की गई। उक्त हम्माल नानाखेड़ी मंडी से कामकाज निपटाकर अपने घर लौट रहे थे। कितने लोग थे वो? वे 5 थे। 5 लोग। कितने बजे घटना है? 12:30 बजे। पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? पुलिस को सूचना नहीं दी, वहाँ पे हम रात पड़ गई थी, वहाँ टोलना के पहुँचे तो उन्होंने कहीं रिपोर्ट कर गाड़ी वाले कहे नहीं। तो टोलना पे कौन से बात की आपने? पुलिस वालों। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहीं रिपोर्ट डालिया। क्या क्या ले गए वो लोग आपका? 2500 रुपए मेरे थे और 3000 रुपए एक के थे, मोबाइल था। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मंडी। विद्युत मंडल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 30 मई 2020 को 11 केवी चांसवाली फीडर एवं टेकरी फीडर अंतर्गत चांसवाली पवन कॉलोनी बूढ़े बालाजी हनुमंता व्यायामशाला मरगरशाला टेकरी रोड हनुमान टेकरी रोड तथा शिवपुरम कॉलोनी आदि क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिजली रहेगी गुल। आज पूरा भारत कोरोना बीमारी से जूझ रहा है और ये समस्या पूरे देश में लगभग बनी हुई है। इस संकट की स्थिति में हिंदू जागरण मंच द्वारा गुना में टोल टैक्स में लगातार प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और मोहल्ले और गलियों में भी कच्चा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को पानी की टंकी और घास भी उपलब्ध कराया जा रहा है और पूरा हिंदू जागरण मंच तन मन धन से इस सहयोग में लगा हुआ है। और हिंदू जागरण मंच द्वारा जो सराहनीय पहल की गई है, मैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष दीपक रजक।
लगातार 3 महीने से पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना, जिससे सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी संगठन लड़ रहे हैं, उसी में से एक हमारा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू जागरण मंच, जो गुना के अंदर लगातार 2 महीने से हाईवे पर चाचोड़ा के अंदर, बीनागंज में, कुमराज में, मधुसूदनगढ़ में, राधोगढ़ में मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। लगातार 24 घंटे वो मजदूरों को भोजन बांट रहे हैं, गली गली बस्ती मोहल्ले में भोजन बांट के मजदूरों की, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मैं हिंदू जागरण मंच का धन्यवाद देता हूँ। हिंदू जागरण मंच के विभाग के मंत्री श्री केशव जी शर्मा, मनोज जी भदौरिया और दीपक जी रजक, सौरभ जी यादव, जितने भी कार्यकर्ता हिंदू जागरण मंच के लगे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं और उनसे यही निवेदन करता हूं, जनता की, गरीबों की, मजदूरों की, इस कोरोना नाम की वैश्विक महामारी में आप लोग लगे रहें, सबकी सेवा करते रहें। और मैं गुना के अंदर जो सोनाली सिटी चैनल है, उनके तरुण जी जैन जो उसके पत्रकार हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप इस प्रकार की मीडिया के अंदर खबरें दिखाकर हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपसे निवेदन, उनका मनोबल बढ़ाते रहें, उनको प्रोत्साहित करते रहें। पुनः हिंदू जागरण मंच को मैं धन्यवाद देता हूं सेवा कार्य करने के लिए। भारत माता की जय। मकसूदनगढ़ में नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 363 का मामला किया दर्ज। मकसूदनगढ़ में नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला आया सामने। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं बच्ची अपनी मम्मी की क्रीम बदलने के लिए दुकान पर गई हुई थी, इसी दौरान अचानक बच्ची गायब हो गई। वहीं बच्ची के परिजनों ने मकसूदनगढ़ पुलिस थाने में पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने 363 का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह। मकसूदनगढ़ के टोड़ी गांव में विद्युत सप्लाई हुई बंद। बिल न भर पाने के कारण कंपनी ने की कार्रवाई। खेतों पर फसल और सब्जी सूखने की तादाद पर। जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र के खेड़ा बनिया टोड़ी गांव में विद्युत कंपनी द्वारा बिजली सप्लाई बंद हो गई है। परेशान ग्रामीणों ने गत दिवस रोष जताते हुए बिजली सप्लाई चालू कराने की मांग की है। भारत सिंह लोधी। ये क्या परेशानी है गांव में, ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं? ये सर लाइट बंद कर दी है पूरे किसान लोग। अच्छा, क्या नुकसान हो रहा है इससे? ये फसल सूख रही सर। तो क्या हरी मूंग सूख गई बिल्कुल। लाइट कब से काट गए? दो रोज हो गए सर। दो रोज हो गए। तो फसलों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है? मिल पा रहा है सर, पानी फसल मांग ही नहीं। और कौन कौन सी फसलें खराब हो रही है? ये हरी मूंग खराब हो रही, हरी मूंग सब्जी, सभी सब्जी की खराब। क्यों काट गया, कुछ जानकारी? बिल जमा एक बोल रहा है, बिल जमा करो। तब लॉकडाउन में कैसा बिल जमा करे? फसलें सोसाइटी में अगर गेहूँ तोलवाए तो उनका एक एक महीना पेमेंट नहीं आया होगा। कहाँ तक बिल जमा करे? कलम थामने वाले अतिथि शिक्षकों को मजबूरी में करना पड़ रहा है मजदूरी। कुछ तो तोड़ रहे हैं तेंदुपत्ता। अप्रैल में सतपुरा होने से बेरोजगार अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा सभी जिलों में दिख रही है। बेरोजगार होने के कारण हजारों अतिथि शिक्षक मजदूरी करके और तेंदुपत्ता तोड़कर गुजारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया कि सरकार को अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने एवं मई जून का मानदेय दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री के लिए कई पत्र संगठन की ओर से लिख चुके हैं। अप्रैल में सत्र पूरा होने से बेरोजगार अतिथि शिक्षक मजबूरी में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारे अतिथि शिक्षक तेंदुपत्ता तोड़कर, सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अतिथि शिक्षकों के हित में उपचुनाव से पहले अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। अतिथि शिक्षकों को मई जून का मानदेय देने की कृपा करें ताकि परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
मकसूदनगर के उकाबा सोसाइटी केंद्र पर षड्यंत्रकारी लोगों ने किसानों को गुमराह कर एक खाली कागज पर साइन कराकर पंचनामा बनाया था, जिसमें विष्णु गुर्जर को दबंगई से सोसाइटी केंद्र पर अनाज को तुलवाने वाला बताया था। पर अब वही किसानों का कहना है कि हमें गुमराह कर खाली कागज पर साइन कराया गया है और हम किसानों से कहा गया था कि तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाएगा, इसलिए हमने साइन कर दिए थे। हमने विष्णु गुर्जर को सोसाइटी केंद्र पर नहीं देखा और अब वही किसानों ने पंचनामा और वीडियो देखकर विष्णु गुर्जर के ऊपर लगाए सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। इस संबंध में विष्णु गुर्जर से गुना SP महोदय को आवेदन देकर शिकायत की है। मकसूदनगढ़ से टोनी शाह की रिपोर्ट। वीडियो के खिलाफ विष्णु गुर्जर ने ट्रैक्टर निकाले, लाइन तोड़ के आगे खड़े कर दिए, किसानों को आगे नहीं निकलने दिया। जब मैं इन सब किसानों से जाकर मिला, इनके गांव गया, केंद्र पर गया, घर गया, सारे किसानों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि उस रोज वो मेरे से मिले तक नहीं और उनमें से कुछ लोग तो मुझे जानते तक नहीं। किस आधार पे इनके दस्तखत करवाए गए? उनका ये कहना है कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए, बाद में फिर तुम्हारा नाम चढ़ा दिया।